यूपी चुनाव के नतीजों के बीच शायर मुनव्वर राणा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में मुनव्वर राणा की कॉलोनी के गेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ घर के आसपास पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई है। बता दें कि उन्होंने नतीजों से पहले कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे तो वह यूपी छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिलहाल 265 सीटों पर आगे है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन 133 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक रहा है। वहीं मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा राणा भी यूपी के चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से उन्नाव की पूर्वा सीट से उम्मीदवार उरुसा काफी बुरे शिकस्त झेलने की ओर बढ़ रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े के अनुसार उरुसा को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। शायर मुनव्वर राणा ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा। मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे यह शहर, यह प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। मुनव्वर राणा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर ही बुरा कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार ने सिर्फ नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनका बस चले तो प्रदेश में मुसलमानों को छुड़वा दें, उनके लिए दिल्ली कोलकाता गुजरात ज्यादा सुरक्षित है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।